एक ऐसा चौंकाने वाला सच देश के सामने रखा है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जिसको जानकर आप परेशान हो जाएंगे कि देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह से देश की संपत्तियों को, देश के खजानों को एक ही व्यक्ति के नाम पर नीलाम करने जा रहा है तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। इसके पीछे एकमात्र मंशा है कि दरअसल ये जो अडानी का सारा घोटाला है, ये घोटाला नरेंद्र मोदी का घोटाला है। पैसा इस घोटाले में नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार एक एक करके एक एक घटना का उदाहरण दिया। किस तरह से श्रीलंका के अंदर बिजली का प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट अडानी को नहीं दिलाया गया, वो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी को मिला, क्योंकि श्रीलंका की स्टैंडिंग कमेटी के सामने वहां अधिकारी ने जाके बताया, बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने जाके बताया कि हमें तो राजपक्षे जी ने कहा मोदी जी का दबाव है अडानी को दे दो ठेका। बांग्लादेश में बिजली का ठेका अडानी को दिलाया गया, वो ठेका नरेंद्र मोदी जी को मिला। देश के 6 एयरपोर्ट नियम बदल के अडानी को दिए गए, वो 6 एयरपोर्ट उसके ऊपर कब्जा, देश के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो भी व्यापार है उस पर 30% कब्जा अडानी का है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का है। और एक परंपरा शुरू की देश के प्रधानमंत्री ने, कनपटी पे बंदूक लगाकर संपत्तियों को छीनने की परंपरा। कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट, कृष्णापट्टनम सीपोर्ट, वो मिल गया अडानी को। पहले सीबीआई का छापा होता है, ईडी का छापा होता है, फिर अडानी को। जीवीके पे छापा होता है, फिर एयरपोर्ट अडानी को। एसीसी पे छापा होता है, फिर एसीसी सीमेंट अडानी को। तो ये सारा कुछ अडानी को नहीं है, ईडी का सीबीआई का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा व्यापार, सारी की सारी संपत्ति नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर कर रहे हैं। और उनकी मंशा है कि दुनिया का नंबर एक अमीर बनना है, क्योंकि अडानी तो नंबर 2 तक पहुंच पाया था, उसके बाद ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, नीचे चला गया। ये सारा का सारा पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है इस घोटाले और जांच, इस भ्रष्टाचार में। और अगर इसकी जांच होगी तो इस अडानी के घोटाले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फंसेंगे।